हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मम्मी ने बनाए थे ये केले के पकोड़े, तो मैंने सोचा रेसिपी शेयर कर दूँ। इंग्रेडिएंट्स आप ये नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने आधे घंटे पहले ये चावल भिगो के रखे थे। ये एक हरी मिर्च ली है, अदरक, प्याज और ये लिया है लहसुन। और बैटर बनाने के लिए हमने साइड में लिया है ये बेसन। तो इस तरह से कच्चे केले लिए थे जिनको छील के अच्छे से ये काट के रख लिया है मम्मी ने। तो इस तरह के ये काटे हैं, ये देखिए इतना पतला रखा है केले को। तो एक तरफ मिक्सी जार में हमने ये भीगे वाले चावल ऐड कर दिए हैं और अब इसमें एक एक करके ये सब चीज़ें ऐड करनी है। तो पहले ऐड कर दिए हैं ये अदरक, हरी मिर्च और ये प्याज और लहसुन। तो इन सबको ऐड करके थोड़ा सा पानी मिला के हमें अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेना है, ये देखिए। तो पेस्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए, तो इसको अब हमें मिला देना है बेसन के साथ में। तो ये जो बेसन लिया था इसमें मैं, मतलब मम्मी, ये पेस्ट ऐड कर देंगी। और अब हमें इसमें ऐड करने हैं मसाले। तो थोड़ी सी हमने हल्दी डाली है, अब डालनी है इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे। ये गरम मसाला ऐड कर दिया है और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें बैटर बना लेना है पकौड़े के लिए। तो अब मम्मी इसमें ऐड करेंगी ये नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगी। तो ये बैटर थोड़ा थिक है, इतना थिक नहीं रखना है वरना वो चिपकेगा नहीं अच्छे से केले पे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला कर लेंगे और थोड़ी सी यहाँ पे डाली है ये हींग। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे। तो एक तरफ मम्मी ने ये तेल गरम होने रख दिया था कढ़ाई में। तो अब हमें बस पकौड़े बनाने हैं। तो ये केले के टुकड़े जो हमने काट के रखे थे ये हमें अच्छे से कोट कर लेने हैं बैटर में, ये देखिए। और अब इसको तेल में ऐसे फ्राई कर देना है। तो इस तरह से हमें सारे पकौड़े बना लेने हैं और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे ये, क्योंकि हमने इसमें चावल डाला था। और ये बन गए हैं पकौड़े। तो इसको अब मैं प्लेट में निकाल लूँगी और चटनी के साथ सर्व करूँगी, ये देखिए। तो ये पकौड़े बन के तैयार हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।